हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ही वीडियो से कैसे अपना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कैसे पूरा करें। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। भले ही यह वीडियो आपको देखने में अच्छी ना लग रही हो और HD क्वालिटी में ना लग रही हो, लेकिन देखिएगा, आपको इसमें हकीकत बता दी जाएगी कि 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे एक ही वीडियो से पूरा हुआ और सब्सक्राइबर एक ही वीडियो से आया मेरा। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आप सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। देखिए, चैनल भले मेरा छोटा है, लेकिन जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलती है यहाँ पे। अब सबसे पहली बात है, मैं वीडियो सिर्फ ऐसे ही हाथ से मतलब मोबाइल को पकड़े रखता हूँ और ना ही ज़्यादातर माइक लगाता हूँ। मेरे पे एक माइक है 150 रुपये का, जो मैं माइक लिया हुआ हूँ, उसमें भी बिल्कुल मोबाइल की तरह ही आवाज़ आती है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, हाथ से अपनी वीडियो बना लेता हूँ ऐसे ही मोबाइल पकड़ के। तो अब देखिए, मैं इसमें यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट वगैरह वीडियो बनाऊँगा, अभी यहाँ पे आपको दिखाऊँगा भी। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं अपने डिस्प्ले की ओर। अभी मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। देखिए, अब क्या करूँगा, मैं जाऊँगा वाइट स्टूडियो में, अपने वाइट स्टूडियो में जाकर दिखाता हूँ वो वीडियो जिस वीडियो पर मेरी एक ही पे ही पूरा कंप्लीट वॉच टाइम और सब्सक्राइबर हुआ है। अभी देखिए, मैं चलता हूँ उस वीडियो की ओर अपनी। ये मेरा वीडियो है जिस पर 1 लाख, यहाँ पे दिखाता हूँ कितने व्यू है। सबसे पहले तो मैं व्यू दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं व्यू पर जाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो व्यू है 1,10,763, यानी 1 लाख व्यू है। अब ये मान के चलिएगा कि 1 लाख व्यू पे आपका ये वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, अगर वीडियो अच्छी रहती है। तो वीडियो कैसे अच्छी रहती है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए वीडियो अच्छी जा रही है, यानी ये जो लाइनिंग है ना, जो ब्लू ब्लू आपको लाइनिंग चमक रही है, अगर ये ऊपर की ओर जा रही है। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 41K, 82K, 1,02,000, 1,02,000। तो आपको इसका मतलब ये है कि अभी 82 से 1,02,000 पे ये जाने वाली है, तो इसका मतलब ऊपर को जा रही है, तो बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पे वॉच टाइम जो इसका 4,000, यानी 4K इसका वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं लाइफ टाइम वॉच टाइम इसका अगर आपको दिखा दूँ कितना हुआ लाइफ टाइम वॉच टाइम इस वीडियो का, 3,972, यानी कंप्लीट होने को है। तो यहाँ पे भी 4K दिखा रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा और 4,000 साढ़े 4,000 के समथिंग पहुँच जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा सब्सक्राइबर यहाँ पे कितना है, सब्सक्राइबर देखिएगा यहाँ पे 974, यानी 1K एक ही वीडियो से हो रहा है आपका। देखिए, एक ही वीडियो से मेरा कितना हुआ 4K वॉच टाइम हो गया, और एक ही वीडियो से मेरा हो गया सब्सक्राइबर कंप्लीट। अब ये अपना रिवेन्यू है, जितना मेरे को बना है रिवेन्यू। ठीक है, ये मैंने आपको शो करा दिया गया है। तो अब यहाँ पे एक ही वीडियो से अभी क्या हुआ, देखिए 1 लाख पे आप सोच रहे होंगे कि 4.35 यानी 35 ये आपको डॉलर बनाया, नहीं ये तब बना है, तब मेरा 1 लाख व्यू हो चुका था, उसके बाद में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और ये तब बना है। ठीक है, ये तब का है, यानी ये मान के चलिए लगभग 1-2 हज़ार रुपये मेरा एक डॉलर बन रहा है। अब जिसका इंप्रेशन अच्छा जा रहा है, सबसे पहली बात आप सबसे रोज़ इंप्रेशन चेक करते रहिएगा अपनी वीडियो का। इंप्रेशन अगर सही जाता है, देखिए मेरा 7.5 लाख इंप्रेशन जा रहा है, 7.5 लाख पे मान के चलिए 1 लाख व्यू है, यही मान के चलेगा आपका 7.5 लाख पे 1 लाख मेरा व्यू है। आप मान के चलेगा, अगर आपका इंप्रेशन जा रहा है 5 से 6 लाख, तो आप ये मान के चलेगा 1 लाख व्यू आपका आ जाएगा, यानी इंप्रेशन आपका 100 जा रहा है तो 10 व्यू आएगा। अगर इंप्रेशन आपका 1,000 जा रहा है, तो ये मान के चलिए 100 व्यू आपका आना है। अब देखिए, यहाँ पर इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो 12.7 है, बिल्कुल परफेक्ट होता है, इस सब पर जाएगा और अच्छा होता है। लेकिन अगर आपका 12 से नीचे जाता है, तो वीडियो थोड़ी स्लो चलती है, यानी मिनिमम जो रहना चाहिए वो 8-9 से ऊपर रहना चाहिए, 9-10 से ऊपर रहना चाहिए। अगर वीडियो का इंप्रेशन आपका 9-10 से ऊपर आएगा, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका वीडियो रैंक जरूर करेगा। और सबसे देखिए यहाँ पे क्या, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे ऑडियंस है, यानी एवरेज, यानी जो इस वीडियो को देख रहा है वो कम से कम 2 मिनट 10 सेकंड तक इस वीडियो को देख रहा है, इसका जो व्यू ड्यूरेशन है। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑडियंस है, ऑडियंस भी यहाँ पे अच्छे खासे हैं, यानी 40-45 से 55 इंच तक के यहाँ पे है। ठीक है, दोनों इंग्लिश हिंदी में मेरा चैनल देखा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए रिवेन्यू, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस चैनल का जो रिवेन्यू है, सबसे पहली बात, अब आप क्या करिएगा, आप सबसे पहले रेगुलर वीडियो बनाते रहिएगा। मैं आपको दिखाऊं अपने चैनल खास तरह से, कोई नहीं दिखाता। देखिए, यहाँ पे अभी 2 वीडियो मेरी वायरल, 2 ही ने मेरा वॉच टाइम कंप्लीट कर, देखिए वॉच टाइम कैसे कंप्लीट हुआ। बाकी वीडियो पर आप देख सकते हैं किसी पर 7, किसी पर 15-20 व्यू से ऊपर नहीं है। तो अभी इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आप रेगुलर वीडियो डालते हो, तो आपके एक आध वीडियो जरूर रैंक कर जाएगी। ऐसी 100-200 वीडियो अगर पड़ी हुई है, तो उनमें से 1-2 वीडियो जरूर आपके रैंक करिए। आप देखिए 36,000 व्यू है, और इसका मैं वॉच टाइम आपको अगर दिखा दूँ, वॉच टाइम है इसका
देखिए 36,000 इसका वॉच टाइम है, देखिए इसका 966 घंटे इसका वॉच टाइम है और 282 मेरे को उस पर सब्सक्राइबर मिले और इस पर कुछ इतने रिवेन्यू है जबकि इसका 3.5 इंप्रेशन गया हुआ है, क्लिक रेट 8.3 है, यानी इतना होना चाहिए, ये भी बेकार है, बल्कि हालांकि ये बेकार है लेकिन इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिएगा मेरा जो व्यू है वो देखिएगा 48, 20, 21, 72, 11, 8, 38, 9, 7, 17, 19, 28, 27, 36, 16, 7, तो इस तरीके से है। अगर मेरा यहाँ पर टोटल वीडियो मैं आपको दिखाऊँ, टोटल वीडियो जो मेरा है वो 289 के लगभग है, यानी अगर आप रेगुलर वीडियो डालते हैं तो आपकी ज़रूर वीडियो वायरल होगी, घबराइएगा मत, ऐसा ज़रूर होता है। ठीक है, लेकिन रेगुलर आपको वीडियो डालते रहने, 4 वीडियो शॉर्ट, मैं बिल्कुल एकदम हकीकत बता रहा हूँ, आपको चैनल मोनेटाइज करना है तो 4 वीडियो शॉर्ट डालिएगा, रेगुलर 1 वीडियो लॉन्ग डालिएगा, क्योंकि जो शॉर्ट वीडियो होती है उसका वॉच टाइम नहीं जुड़ता है और जो लॉन्ग वीडियो होती है उसका वॉच टाइम जुड़ता है। उसके साथ साथ में क्या होता है, आपकी लॉन्ग वीडियो जो देखता है, शॉर्ट वीडियो देखता है, उसके साथ साथ में लॉन्ग वीडियो जरूर देखेगा और आपका वॉच टाइम काउंट होता है। इसके साथ साथ में वॉच टाइम काउंट करना जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, इतनी बढ़िया इंपॉर्टेंट हकीकत मैंने आपको चैनल के बारे में बताया, तो चैनल पर जरूर बन जाइए दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, इससे अच्छी अच्छी जानकारी भी मिल लेता हूँ, बिल्कुल हकीकत, मनोज डे वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताते, मतलब सबको कुछ नहीं नॉलेज है, सब अपना ही एक्सपीरियंस बताते, किसी को यूट्यूब के बारे में नॉलेज नहीं है, वो अपना एक्सपीरियंस बताते सिर्फ जो उनके साथ हुआ है। ठीक है, ऐसा किसी को नॉलेज नहीं होती, लेकिन मैं भी इस तरीके से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को नॉलेज है, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए।